92 वर्षीय एक बुजुर्ग जिनकी जमीन पर जबरन लोगों ने कब्जा कर लिया है, वहीं बुजुर्ग व्यक्ति पिछले 12 सालों से मदद और न्याय की गुहार के लिए प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। असहाय, बेबस और लाचार 92 वर्षीय बुजुर्ग की पीड़ा बेहद दर्द भरी है, जहां स्थानीय गांव के ही सदस्य ने बुजुर्ग की पीड़ा को साझा किया और प्रशासन से जल्द बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की गुहार लगाई है। 92 साल की मेरी उम्र है और मैं कहना हूँ इनको मल्होत्रा, इन्होंने मेरी जमीन पे कब्जा किया हुआ। डीसी को लेटर भेजा मैंने, शिकायत भेजी और ये चीफ मिनिस्टर को भेजी, प्राइम मिनिस्टर को भेजी, राष्ट्रपति को भेजी। फिर क्या हुआ? कोई सुनाई नहीं। 12-13 साल से मांगे करता हूँ कि मेरी जगह मुझे दिलाए। ये बुजुर्ग है हमारे, वैसे जूतों की मेन थी, जूतों की दुकान है, वहाँ पे दुकानदारी करते हैं, बहुत वर्षों से करते हैं। और ये बुजुर्ग है 92 साल के, गुड़शाली के रहने वाले, शंकर जी इनका नाम है। और इनकी ज़मीन पे जबरन लोगों ने कब्जा कर रखा है और ये 12 सालों से बेचारे धक्के खा रहे हैं इधर से उधर। इन्होंने सीएम साहब को, पीएम साहब को, डीसी को, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को भी इन्होंने अपनी गुहार लगाई है, मगर कहीं अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। लोग इनको इधर से उधर धक्के मार रहे हैं और यहाँ तक कि इनकी जान को भी एक बार खतरा हुआ था, मगर आज ये 12 सालों से इधर से उधर भटक रहे हैं। हमारी प्रशासन से गुहार है कि इस बढ़ते उम्र के बुजुर्ग पे लिहाज किया जाए और जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट और हमारी केंद्र सरकार बुजुर्गों के लिए इतना कुछ कर रही है, तो हमारा यही सरकार से अनुरोध रहेगा कि कृपया इस बुजुर्ग पे भी रहम करें और इनको इनका कब्जा दिलाकर निजात दिलवाएं।